नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। प्रदेश में सरकार किसी भी दल की हो, खनन में नियमावली नहीं चलती है। इसका एक उदाहरण यूपी के जनपद सोनभद्र में देखने को मिला। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सुकूत खनन क्षेत्र में खाने आजमपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से करीब 200 मीटर दूरी पर है। विभाग ने खनन हेतु एक पट्टा खननकर्ता को आवंटित कर दिया है। खादान में प्रतिदिन हो रही ब्लास्टिंग से पास के स्कूल में पत्थर उड़ रहा है, जिससे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों, टीचर व परिजन भी दहशत हैं। इस बात पर डर स्कूल में पढ़ा रहे अध्यापकों और स्कूल जाने वाले बच्चों व अभिभावकों को सता रहा है कि कहीं उनके बच्चों को ब्लास्टिंग का पत्थर न लग जाए। ब्लास्टिंग का विरोध टीचर, ग्रामीणों ने पुलिस व शिक्षा विभाग से किया, लेकिन स्थिति जस की तस है। इस बाबत खनिज अधिकारी से पूछा गया तो जांच की बात कर रहे हैं। यूपी के सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सुकृत चौकी क्षेत्र में भारी अनियमितता बरतते हुए खनिज विभाग ने एक खान आजमपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सटे खनन पट्टा आवंटित कर दिया, जिससे विद्यालय में खाद्यान्न में होने वाली ब्लास्टिंग से पत्थर उड़कर आते हैं, जिससे बच्चों की जान पर खतरा बना हुआ। इतना ही नहीं, ब्लास्टिंग का पत्थर गाँव में भी लोगों के घरों पर गिर रहा है। ब्लास्टिंग के दौरान इतना तेज कंपन होता है कि मानो भूकंप आ गया हो। इसकी शिकायत भी अध्यापक, ग्रामीणों का हस्ताक्षर कराकर पुलिस को दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई विभाग द्वारा अभी तक नहीं की गई है। तो पत्थर का टुकड़ा उड़कर आता है, बाउंड्री में गिरा है, स्कूल के आसपास गिरा है, बाउंड्री के बाहर, बरामदा के बाहर सटा गिरा है, तो बाउंड्री में ही हमारे फील्ड में गिरा है दो तीन पत्थर। गाँव पर बताए थे और उस दिन छुट्टी थी, तो गिरा हमारे बरामदे के बाहर एक टुकड़ा गिरा, वहाँ गड्ढा हो गया। स्कूल के पास स्थित खादान से पढ़ने वाले बच्चे दहशत में हैं। बच्चों ने बताया कि स्कूल के कुछ दूरी पर खादान, उसमें ब्लास्टिंग के समय पत्थर आकर स्कूल में गिर जाते हैं, उससे हम लोगों को डर लगता है। यहाँ पर स्कूल के बगल में खादान है और पत्थर गिर जाता है, हम लोग को डर लगता है। ग्रामीणों का कहना है कि घर के पास में खादान है, हम लोग घर छोड़कर काम पर चले जाते हैं तो खादान में हो रही ब्लास्टिंग से हमारे घरों पर पत्थर का टुकड़ा आकर गिर जाता है। इससे हम लोगों को हमेशा डर बना रहता है कि खेल कूद रहे हो तो चोट ना लग जाए। सर जी के अपन बच्चा उच्चा जैसे खदान है घर में, हमने के बगल में है, तो डर रहला हमेशा बच्चन के, हमेशा खेल कूदने के डर भी रहला के कभी पत्थर कब के आ जाएगा, यही से और यही परेशानी है। कोई सभाना नहीं है कि जब नहीं आ जाए, उड़ जाए तो आ सकला आवला पत्थर, यही से डर हमेशा लग रहा है बच्चन के भी खेल कूदने के लिए हमेशा। खनिज विभाग के अधिकारी से जब इस संबंध में बात की गई तो बताया कि एक मामला हमारे जानकारी में नहीं था, अब लोगों के माध्यम से इसकी जानकारी मिली है, इसकी जांच कराई जाएगी, जिसका पट्टा है और कितनी दूरी पर है, इसकी सीमा क्या है और पट्टा से क्या परेशानी है, जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किसका पट्टा और कितनी दूरी पर है, उसके बाद जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी वह की जाएगी। ये प्रकरण हमारे जानकारी में अभी तक नहीं आई है, आप लोगों के माध्यम से प्रकरण आ रहा है संज्ञान में, इसकी जांच कराई जाएगी कि कहां किसका पट्टा है, कितनी दूरी पर है और क्या दिक्कत है। जांच के बाद जो भी उचित नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी।